तो इतनी निकम्मी नकारा सरकार हिटलरशाही तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है, को बिहार की जनता को बहुत ही आशा और उम्मीद है, भरोसा है तेजस्वी जी पर। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, जिस तरह से अभी एसटीईटी के अभ्यर्थी दर बदर भटक रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर उधर, एसटीईटी मेरिटधारी ने कल प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन आराम से कर रहे थे, फिर अचानक से पुलिस उन्हें भगा देती है और भागते भागते कहाँ पहुँचते हैं, तेजस्वी यादव के घर पर, और तेजस्वी यादव से बातचीत होती है। हमारे साथ तेजस्वी यादव के सिपाही मृत्युंजय तिवारी, जो राजद के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं। भाग लाठी वाठी भी चला था, खदेड़ दिया गया था उन लोगों को। देखिए, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाना, गोली चलाना, उनकी आवाज़ को दबाना, उनकी मांगों को अनसुनी करना, ये सब ही काम तो कर रही है डबल इंजन की सरकार। लेकिन नौजवानों को, बिहार की जनता को बहुत ही आशा और उम्मीद है, भरोसा है तेजस्वी जी पर। जो लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, उन्हीं के हक और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग आए थे, तेजस्वी जी ने एसटीईटी के सभी लोगों की बात सुनी है और उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और उनकी आवाज़ बन करके तेजस्वी जी उनको न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी जी ने यह भी कहा कि दो जगह पे उपचुनाव है, इन्हें सबक सिखाइए, क्या लगता है? भाई तो ठीक न है, लोकतंत्र में जब तक ये सरकार रहेगी, इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। ये उम्मीद क्या करेंगे, ये सरकार को तो इतनी निकम्मी नकारा सरकार हिटलरशाही तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। तो लोकतंत्र में ताकत है जनता को कि निकम्मी सरकार को बदल दे। अच्छा, तो निकम्मी सरकार को बदलने का के लिए तेजस्वी जी ने नौजवानों को कहा कि कमर कस लो, कमर कस लो। और आप और कांग्रेस में क्या चल रहा है सर? हमारे और कांग्रेस में क्या चलेगा, हमारा कांग्रेस से पुराना सहयोगी है कांग्रेस, हम लोग एक साथ हैं, और क्या चलेगा? नाराजगी नहीं है का? कौन सा नाराजगी? अरे कांग्रेस बोल रही है कि पूछते उछते नहीं है, खाली ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन रहा है, कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। जिसको जितना मतलब सम्मान दिया जा रहा है, जितना उनका वाजिब बनता है, जितना वाजिब बनता है उतना सम्मान मिल रहा है। एसटीईटी के मुद्दे पर सीधा कहा कि हाँ, ये सरकार जब तक रहेगी तब तक उनको हक नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, ये सरकार गिरेगी न्याय ज़रूर मिलेगा, एसटीईटी इसमें अहम रोल निभाएंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।